जी सर, क्यों जी सर, क्या बताया? आज का मेन विषय था जो मैं जेजेपी पार्टी से चेयरमैन बना था और उसका फाउंडर मेंबर भी था। आज मैं जेजेपी पार्टी को अलविदा करता हूं और आगे की अपनी राजनीतिक सफ़र के बारे में अपने जो शुभचिंतक हैं और समर्थक हैं उनसे राय लेकर आगे के अपने भविष्य की योजना बनाएंगे और आने वाले समय में मैं जुलाना विधानसभा से चुनाव की तैयारियां कर रहा हूं। और जुलाना को मैंने इसलिए चुना क्योंकि वह ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाका ही हमें जो विकास है तो गांव में विकास से ही देश का विकास होता है। वहां के लोग बड़े अच्छे सादे भोले हैं गांव के लोग और मैं वहीं अपनी कर्म भूमि बना रहा हूँ। तो जितने भी कार्य जिला परिषद चेयरमैन होने के नाते हम कर रहे हैं वहाँ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब मैंने अपने वार्ड को पहले नंबर बनाया था और आगे आने वाले समय में अब जुलाना मेरी मुहिम है कि जुलाना को पहले नंबर बनाकर ही मैं दम लूँगा। एज ए चेयरमैन कुर्सी पर रहते हुए हम जुलाना की तरफ विशेष ध्यान है और लोगों ने जैसे हमने वार्ड को पहले नंबर बनाया, अगर जनता ने हमें मौका दिया तो हम जुलाना को पहले नंबर बनाकर दिखाएंगे। किन कारणों से कितने साल से आप जेजेपी में रहे, क्या कारण रहे, क्यों अलविदा कह रहे हो? मैं जेजेपी का फाउंडर मेंबर ही था तो अब मैं वैसे तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं मुझे बोलना, लेकिन अपने भविष्य को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। और साल जेजेपी में रहते हुए आपका भविष्य सही नहीं था तो फिलहाल अब आप भी जानते हैं भाई, तो जो पार्टी है वो आप आपके सामने है फिलहाल कितने उसमें हैं, तो मैंने पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? उसके लिए मैं अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से बैठ कर राय लेंगे आगे आने वाले समय में हमें किस पार्टी में जाना है। तो विधानसभा चुनाव लड़ना तय है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जुलाना से? हाँ, जुलाना से विधानसभा की पूरी तैयारियां कर रहे हैं और वो तो आने वाले समय ही बताएगा भाई किस तरह हमें कितना सपोर्ट मिलता है, उसी हिसाब से हम निर्दलीय और या फिर पार्टी का सपोर्ट मिलता है तो उसी हिसाब से अगला फैसला लेंगे। कल की जो मीटिंग थी वो मीटिंग वाला क्या मुद्दा बताएंगे? कल की मीटिंग, चार मीटिंगें हो चुकी हैं और चारों मीटिंग आपने देखा होगा कि प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गई थी। तो अब कल जो मीटिंग थी वो भी रद्द की कगार पर थी, आपने देखा होगा यहाँ पर। लेकिन हम जींद के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। वो लड़ाई हमने कल यहाँ आपने देखा होगा कि सामने गाड़ी के आगे अड़कर भी हमने इस तरह मीटिंग को करवाया है और अब फिर से जींद का विकास जो 6 महीने से रुका हुआ था फिर से सुचारू रूप से हम उसको चलाएंगे और उसकी जो भी लड़ाई हमें जींद के विकास के लिए लड़नी पड़ेगी हम उसके लिए सदा तैयार रहेंगे। आपकी वाइफ जिला परिषद की चेयरमैन है तो आपके साथ साथ वो भी? हाँ, मैं उनके सपोर्टिंग रोल में हूँ, वो ही अपना सारा कार्य करती है। जुलाना हल्का में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, क्या अपनी मजबूती कितनी मानते हैं? मजबूती तो जनता ने दिखानी है, मैंने अपना कार्य किया है, आप वहाँ जाकर मेरे कार्य देख सकते हैं। प्रत्येक गांव में आज 50 गांव में जिम लग चुके हैं, 30 गांव में वाटर टैंकर जा चुके हैं, 35 गांव में आज कैमरे, पहली कॉन्स्टिट्यूंसी जुलाना बनेगी हरियाणा की जहां पर प्रत्येक गांव में आपको सीसीटीवी कैमरे और लाइट वो भी जेब से लगे दिखेंगे, आज से पहले ऐसा किसी ने किया नहीं है। तो माने कि आपका आगाज शुरू हो चुका? हाँ, मैं स्टार्ट है, काफ़ी दिनों से मैं तैयारियां कर रहा था, अब आने वाले समय में। अब भी क्या लगता है जुलाना में कुछ कमी रहेगी, आप जो पहले काम से करना चाहोगे अगर मौका मिलेगा? कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो एज ए चेयरमैन जितनी ग्रांट मेरे से मेरे बाटे आती है वो मैं पूरी की पूरी जुलाना लगा कर उसको पहले नंबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आने वाले समय में जुलाना विधानसभा को 90 विधानसभा में सबसे अलग दिखा सकूँ। जुलाना से जेजेपी के विधायक अमरजीत डांडा और पार्टी ने उन्हें उनको मौका दिया, एक बार फिर से उनको उम्मीदवार जो है घोषित कर दिया जुलाना से,
जेजेपी जो अमरजीत डांडा है उनका कार्यकाल आप किस तरीके से देखते हैं और क्या खामियां उनके कामों में आपको लगती है? मैं किसी की कोई खामियां नहीं निकाल रहा, मैं तो अपनी विकास की बातें कर रहा हूँ। जो विकास मैंने किए हैं जनता उनको जानती है। आप भी देखते होंगे एज ए पार्षद क्या काम लोग करते थे और मैंने एज ए पार्षद क्या काम करके दिखाए हैं, तो उन कार्यों को ध्यान में रखते हुए जुलाना की जनता फैसला लेगी। और अगर मैंने अच्छे कार्य किए तो मुझे एक मौका देगी, और अगर मुझे मौका दिया तो जैसे एक पार्षद रहकर मैंने कितने जो कार्य किए हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर उन्होंने आगे आने वाले समय मेरे को एक मौका दिया तो मैं दिखा दूँगा कि भाई एक विधायक बन गए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। जब पार्षद बनकर इतना विकास कर सकता हूँ तो विधायक बना दिया तो 90 कॉन्स्टिट्यूशनों में जो जुलाना है उसको पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दूंगा। प्रधान जी कल संसद से आपसे मुलाकात आया था, सतपाल ब्रह्मचारी से, दीपेंद्र से, किस तरह की मुलाकात? वो सतपाल जी मेरे गांव के एमपी साहब हैं, उनसे अक्सर मेरी मुलाकातें होती रहती हैं। वो तो राजनीतिक सिलसिले में, ना कि अभी कोई ज्वाइनिंग या किसी पार्टी से अभी कोई मेरा वो नहीं है। वो आने वाले समय में समर्थकों से और शुभचिंतकों से मैं बैठ कर निर्णय लेंगे कहाँ हमारा भविष्य सेफ और कहाँ हमें जाना चाहिए। धन्यवाद।